नहीं है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है कि there were some people who have used this rally in the morning to sell, and that is expected. Shailendra ji, देखिए globally higher yields are very very beneficial for global markets, क्योंकि वहाँ cost of money is low. लेकिन because इतना inflow आया है आपका ETF से in India, there will be some amount of repatriation from the FI side. और इस कारण से ये ETF sell off है. This is nothing much. Now you have to take it with a pinch of salt. के सारी bad news is getting in. 14,500 I think is a very very strong resistance according to me on the technicals. It can be breached for a day or so. But आप आगे का देखिए. Are higher yields going to be there for long? The Fed has indicated himself. And I think ये एक बहुत अच्छी opportunity to get into good stocks. क्योंकि local mutual funds which are sitting on cash, I think they will be now very very big contrarian buyers. So definitely pain in the short term, but much much gains in the longer term. दो पिक्स मेरे हैं, बजाज ऑटो. मैंने आपको पहले भी कहा देखिए डिविडेंड पॉलिसी उनकी आ गई, उनके पास कैश ऑन हैंड, इट बिकम्स द चीपेस्ट टू व्हीलर स्टॉक. आई थिंक बजाज ऑटो की इस दिवाली 4500 जाएगा, तो लीजिए 3650 का स्टॉप लॉस, 4000 का टारगेट. दूसरा बाय होएगा बंधन बैंक. मुझे बंधन बैंक बहुत पसंद है, उसमें सारी न्यूज जो है नेगेटिव आ चुकी है, और जैसे जैसे आसाम और उनके बाकी बिजनेसेस खुलेंगे, आई थिंक इट विल बी इन अ वेरी स्वीट स्पॉट. 35-36 में लीजिए, 27.5 का स्टॉप लॉस है, 360-62 का टारगेट. चलिए, ये बंधन बैंक पर राय आती हुई दिख रही है. बसीम साहब, थोड़ी देर और आपका समय लेंगे. एक डिविडेंड पॉलिसी में फेरबदल हुआ है बजाज ऑटो की. उन्होंने कहा है अगर ट्रेजरी में 15,000 करोड़ रुपए की सेफ्टी है, तो जितना भी मुनाफा होगा उसका 90% वो शेयर होल्डर्स में बांटेंगे. क्या लंबी अवधि के प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, आपको बजाज ऑटो में वापस आते हुए दिखते हैं क्या? 100% बजाज ऑटो बहुत ही कॉन्जर्वेटिव मैनेजमेंट है, और अगर वो कह रहे हैं कि वो अपने डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे कान बी अ बेटर लाइनिंग. यू सी दे आर वेरी वेरी कॉन्जर्वेटिव, कॉस्ट कंट्रोल उनका बहुत की होता है, और मुझे लगता है ये और बजाज फाइनेंस ने भी अनाउंस कर दिया है. सो ऑफकोर्स द स्टॉक्स आर यू नो डिविडेंड यील्ड्स आर नॉट सो अट्रैक्टिव बिकॉज बजाज फाइनेंस एक्सपेंसिव स्टॉक, बट इट टेल्स यू कि पॉलिसी में चेंज आ गया है. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग this is the time you should be using to buy these type of quality stocks. Bajaj Auto I think will be one of the best two wheeler stocks now, and saath mein it becomes very very attractive with this dividend yield, so it's a must have in a portfolio. हर्षिता, बिल्कुल, ये जो अनइजीनेस है ये और आधा घंटा चलेगी. आई एम वेरी श्योर टुडे इवनिंग यू विल सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक. सेकेंडली, दिस पुल बैक विल गो बैक टू यू नो वट एवर द मॉर्निंग आईज, एंड वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट ऑल द न्यूज इज गेटिंग प्राइस्ड इन. हायर यील्ड्स आर अ टेम्पररी ब्लिप विच द Fed has already indicated, and it should have hardly any repercussion on India. Or weaker dollar means foreign inflows are going to be even stronger. So I think ignore the noise and get good shares. दो दिन से आपको बजाज ऑटो कह रहा था, आज देखिए उनकी डिविडेंड पॉलिसी आई है विच विल मेक इट वन ऑफ द चीपेस्ट टू व्हीलर स्टॉक्स. मारुति हैज बीन एन आउट परफॉर्मर. तो दो बायस हैं आप कहे तो मैं शुरू करूं. जी सर, बताइए. पहला होएगा हर्षिता गेल. द गैस पॉलिसी इज वेरी वेरी पॉजिटिव, एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द गेल विल हैव अ वेरी वेरी बिग अपसाइड. तो 37-37.50 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 33. दिस इज हेडेड टू 148-150. एंड द अदर बाय वुड बी वन ऑफ माई ओल्ड फेवरेट्स विच इज नाउ आउट परफॉर्म टाटा पावर. बेस्ट प्ले ऑन द राइजिंग पावर प्ले and the distribution network which they have acquired in Orissa. 103.50-104 mein lijiye, 101.50 ka stop loss, 112-115 ka target.
ओके तो गेल में, हाँ गुड मॉर्निंग। तो शैलेंद्र जी देखिए, बैंक्स में तो बहुत ज्यादा बुलिशनेस होनी चाहिए, बिकॉज द फेड हैज सेड दिस इज अ टेम्पररी ब्लिप एंड ही इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। साथ में दे हैव केप्ट द एम्युनेशन दैट इन केस नीडेड दे कैन इवन गो विद ऑपरेशन ट्विस्ट। आई थिंक इससे बढ़िया न्यूज आ नहीं सकती। और जो बैंक निफ्टी में आपने वीकनेस दी है, इट इज मोर टू डू विद सम एडवेंचरस शॉर्ट्स, और मुझे लगता है आज मैं कह सकता हूँ कि 1000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी में ही दिख जाएगी। कल आपको मैंने ICICI और मारुति कहा था, देखिए आज के टॉप गेनर्स है मारुति साहब 2.5% एंड सो इज ICICI। ICICI मुझे यहाँ से 650 का भाव दिखता है, बने रहिए। अब आपके लिए दो पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी जी भसीन साहब, पहले आप मुझे बताइए आपको घी और शक्कर पसंद है क्या? बिल्कुल पसंद है, जो आप देंगे हम तो दोनों हाथों से ले लेंगे। बिल्कुल, तो मारुति के लिए मैं आपके लिए जरूर भिजवाऊंगा, बहुत ही शानदार कॉल थी। कल भसीन साहब ने 5 लार्ज कैप शेयर्स पर आपको SIP करने की राय दी थी। मैं उनका नाम दोबारा बताता हूं, वो है मारुति सुजुकी, ICICI बैंक, बजाज ऑटो, NBCC और HCL टेक। इसमें आज आपको मारुति 2% ऊपर दिखेगा, आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट ICICI बैंक में दिख रहा है और बाकी सारे काउंटर्स भी चहकते हुए दिखेंगे। तो भसीन साहब, मैं दिल्ली आता हूं आपके लिए बहुत बढ़िया घी और शक्कर लेके। अब चर्चा शुरू करते हैं आज के दो स्टॉक्स पर, कहां आपका रुझान? लॉन्ग साइड पर। सर कल आपने जो कहा था उसमें एक लार्ज कैप रह गया, रिलायंस। डोंट मिस द वुड्स फॉर द टीज, रिलायंस यहाँ से 2600 का भाव दिख जाएगा आपको इस दिवाली। और लार्ज कैप में मेरे लिए सबसे टॉप पिक वो है। ऑटोज में आपने कहा तो मैं फिर सजेस्ट करूं, बजाज ऑटो हैज अंडर परफॉर्म, लेकिन आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगा क्योंकि उसका एक्सपोर्ट मार्केट इज ओनली गैदरिंग ट्रैक्शन। तो ये एज ए डिस्क्लोजर दो स्टॉक्स हैं। अब सर आप लीजिए अंबुजा सीमेंट, इट विल कम आउट विद द बेस्ट नंबर्स एवर इन इट्स हिस्ट्री दिस क्वार्टर। 284 का भाव है, 277 का स्टॉप लॉस रखिए, ये वापस 295-300 का टारगेट आपको दिखेगा। और दूसरा पिक होएगा जो आपको कहा है रिलायंस, 2070-71 में लीजिए फ्यूचर जो है आपको, 2050 का स्टॉप लॉस आज रखिए, लेकिन ये वापस 2130 से 2140 आपको आज